अरे गोली चलने की आवाज आई, किधर से आई आवाज? मैं उधर से आई है। चलो चलो जल्दी, चलो चलो। अंकल क्या हुआ? अंकल अंकल क्या हुआ? अंकल कोई एम्बुलेंस बुलाओ। क्या गेटू भाई, आज तो तुम टाइम पे आ गए एकदम। धंधे में हम टाइम खोटे नहीं करते, समझा? वो तो है। अच्छा यार विधान साहब किधर है? अरे तेरे को विधान से क्या काम है? तुझे पता है ना विधान साहब ऐसे अकेले में नहीं घूम सकते। देख हम लोग माल लेकर आए हैं, माल को चेक कर ले। वो तो चेक करना ही पड़ेगा। चेक कर। बुरा मत मानना दोस्त, माल के पैसे दिए हैं तो चेक करना तो जरूरी बनता है। ये ले चेक कर। ये क्या कर रहा है? देख मजाक मत कर। लोडेड है, लोडेड। तुझे पता नहीं ये मेरा पुराना स्टाइल है। ठीक है लेकिन तुम्हारा ये स्टाइल अब बहुत पुराना हो चुका है। ए, गोली लग जाएगी। ए, कोई होशियारी नहीं। बस 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 है? मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ हथियार देने आया था। तुझे तो कुछ पता होगा कहाँ पे विधान? चुपचाप बता वरना तेरा भेजा यहाँ टेबल पे सजा दूंगा। अभी बंद। विधान मुंबई में नहीं है और आप तो जानते हैं कि जब तक एसीपी साहब मुंबई शहर में है विधान मुंबई में पैर भी नहीं रखता। फिर तो तेरा बॉस विधान मुंबई कभी नहीं आ सकता, मुंबई का टिकट उसे कभी नहीं मिलेगा। इसी भी साहब खुश नसीब है कि गोली कंधे को छूकर निकल गई। कोई कॉम्प्लिकेशन या चिंता की बात तो नहीं है ना? फिलहाल तो नहीं है, बस कुछ दिन उन्हें कंधे में तकलीफ होगी और बुखार आ सकता है। उन्हें और कोई टेस्ट की जरूरत नहीं? एसीपी सर का कंधा ठीक तो हो जाएगा डॉक्टर। एसीपी साहब रिलैक्स ऑफिसर, एसीपी साहब को मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कुछ दिन वो आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर
ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? सर अगर आपको कुछ हो जाता तो। अरे देख कुछ नहीं हुआ है मुझे, मजबूत कंधे हैं मेरे, ये देखो। आराम से सर, आराम से। अगर आपको दर्द हो जाता है तो सर आपको आराम की सख्त जरूरत है सर। चुप फ्रेडी, चुप रहो। आराम आराम कुछ नहीं, आज तक कभी आराम किया मैंने? ये हटाओ, हटाओ इसे। सर आप इसे नहीं हटा सकते। ये मेरी दादी माँ नहीं हटेगी ये ट्रिप, बस। तो भी बाहर चली जा, काम की बात करनी है, जा। एक खुआंद है, ये हटाओ इसे। रहने दीजिए सर, प्लीज। सर, अगर आपने साइड व्यू मिरर से उस आदमी को नहीं देखा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। सर उस खूनी को छोड़ेंगे नहीं जिसने आप पर गोली चलाने की हिम्मत की। सर हम अपने खबरियों के जरिए पता लगा लेंगे कि आप पर किसने हमला किया है। हम उस आदमी को छोड़ेंगे नहीं सर। वो आदमी नहीं था, औरत थी। वो औरत क्या? औरत? हाँ दया, औरत थी वो। उसकी चीख सुनी है मैंने। उसका चेहरा मैं ठीक से देख नहीं पाया था। उस औरत ने मास्क पहना था, लेकिन उसे जरूर पता था कि मैं माधवन के घर जा रहा हूं अक्षत की बर्थडे पार्टी के लिए, और वो इंतजार कर रही थी मेरा वहीं पर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है मुझे कि तुम लोगों के अलावा और किसी को भी पता नहीं था कि मैं माधवन के घर जा रहा हूं, तो फिर उस औरत को कैसे पता चला? ये कुछ और ही चक्कर है दया, कुछ और ही चक्कर है। सर हमने जैसे ही विधान को ढूंढने का काम शुरू किया उसी वक्त आप पर यह हमला हुआ, ये कोई संयोग नहीं हो सकता सर। यस सर, विधान का खास आदमी जगन हमें भटपुरा के जंगल में मिला, गाड़ी में मरा हुआ। ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वही तो, विधान का मुंबई वापस आना, जगन की लाश का मिलना और फिर मुझ पर जानलेवा हमला, तीनों के तीनों इत्तेफाक हो ही नहीं सकते। इत्तेफाक हो ही नहीं सकते। है कौन ये औरत जिसे पता था कि मैं माधवन के घर जाने वाला हूं? साहब अभी दिवाली आने में देर है और आपने अभी से पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। पटाखे तो बहुत सारे फोड़ने वाला हूँ अभिजीत, और वो भी प्रद्युमन के पैसे से। ऐसी चीज खोज के निकाली है कि बॉस खुश हो जाएगा। ऐसी कौन सी खबर सुनाने वाले आप? फ्रेडी, इस जगन के हाथ के नाखूनों में मुझे बारूद मिला। जगन एक ऐसा इंसान था जो किसी ऐसी जगह पर काम करता था जहां पर गोला बारूद बनता था। अच्छा, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइट्रेटिमाइन। साइक्लोट्राइम, रहने दे अभिजीत। ये एक ऐसा केमिकल है जो बॉम्ब बनाने में काम आता है। और ये केमिकल आपको इसके नाखूनों में मिला? बिल्कुल, और इसका साफ मतलब ये है कि जगन बहुत लंबे समय तक किसी ऐसी जगह पर काम करता रहा है जहां पर बॉम्ब बनाया जाता है। फिर तो ऐसी जगह हम लोग ढूंढ सकते हैं। एक और बात, गाड़ी में जगन के साथ एक औरत भी थी। क्या? औरत? लेकिन डॉक्टर साहब क्राइम सीन से हमें कोई औरत मिली तो नहीं? मुझे मिली है। आपको मिली? क्या? गाड़ी की पिछली सीट पर जो खून के छींटे थे उसका डीएनए टेस्ट किया,
ये रही वो डीएनए रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट कहती है अभिजीत कि खून के छींटे किसी औरत के थे जिसकी उम्र 25 से 30 साल थी, बस ज्यादा नहीं। तो गाड़ी में कोई औरत भी थी? बिल्कुल। और ये च्युइंगम जो हमें पैसेंजर सीट के नीचे से मिला था, ये क्या जगन का है? नहीं अभिजीत, ये जगन का नहीं है। इस च्युइंगम में किसी तीसरे आदमी का सलाइवा मिला है। इसका मतलब जगन और उस अनजान औरत के अलावा गाड़ी में कोई तीसरा आदमी भी था। कम इन। माधवन आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने तो हमें डरा ही दिया था, अब कैसा लग रहा है? अरे ठीक हूं। ये सब तुम्हारे साथ हुआ, वो भी मेरे घर के बाहर। आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं माधवन, कैसी बातें करते हो यार, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो औरत जानती थी कि मैं तुम्हारे फार्म हाउस पे आने वाला हूं, इसलिए वो मेरा वहां पर इंतजार कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी आवाज सुनकर तुम लोग आ गए और वो भाग गई। फिर भी अंकल, अगर आप अकेले नहीं होते तो आप पर ऐसे हमला नहीं होता। जब तक हम वहां पर पहुंचे तब तक वो अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब कर सकते, इसलिए तो आप लोगों को यहां बुलाया है। मैं समझा नहीं। हमें तुम्हारी मदद चाहिए खूनी को पकड़ने के लिए। लेकिन कैसे अंकल, हम में से किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है। पता है मुझे, बस हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि वहां बुलाए हुए मेहमानों के अलावा और कौन जानता था कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आने वाला हूं। क्या तुमने किसी को बताया था कि मैं अक्षत की बर्थडे पार्टी में आने वाला हूं? सुनो 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 सुनो, क्या हुआ अक्षत? आज रात को मेरी बर्थडे पार्टी में पता कौन आ रहा है? कौन? एसीपी प्रद्युमन। अंकल, मैं और मेरे साथी मेडिकल स्टूडेंट पनवेल के पास एक चैरिटी क्लिनिक चलाते हैं, तो वहीं पर मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि आप मेरी पार्टी में आने वाले हैं। रजत, जल्दी से जल्दी उस क्लिनिक में जाना होगा। अरे नहीं सर, आप कहीं नहीं जा सकते। डॉक्टर प्रकाश को पता चलेगा तो वो हम सब पर नाराज हो जाएंगे। डॉक्टर प्रकाश से कहो कि मैं कल आऊंगा चेकअप के लिए, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। विधान, ये आदमी जरूर कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। एक तरफ एसीपी सर पे जानलेवा हमला, दूसरी तरफ इसने मुंबई में फिर से बंदूकों और बॉम्ब्स की स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया है। सर, कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर, हमें जल्द से जल्द बॉम्ब्स बनाने वाली फैक्ट्रीज और गोडाउन का पता लगाना होगा जहाँ पर यह जगन गया होगा। सचिन इसी बॉम्ब फैक्ट्रीज का पता लगा रहा है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि विधान का सबसे खास आदमी जगन एक गाड़ी में मरा हुआ कैसे मिला, वो भी किसी आदमी और औरत के साथ जो अब तक गायब है। मुझे यकीन है दया कि वो अनजान आदमी और उस अनजान औरत का इस विधान के स्मगलिंग रैकेट से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। सर, मुझे शक हो रहा है कि जगन के खून और एसीपी सर के हमले के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। हारजत, बोलो। क्या? लेकिन क्यों? अभी उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी। ओके ठीक है। क्या हुआ? एसीपी साहब हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। लेकिन क्यों? उस औरत का पता लगाने जिसने उन पर हमला किया था। सर, शाहबाद के एक लोकल पुलिस का फोन था, जगन को पिछले हफ्ते शाहबाद में देखा गया था। फिर तो शाहबाद जाना होगा। अक्षत, तुम्हारे जन्मदिन पर जो स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे थे, क्या वो लोग आज भी मौजूद हैं? यस सर, सब लोग हैं। देखो, घबराओ मत तुम लोग, मैं तुम पर कोई इल्जाम लगाने नहीं आया हूं। हमें बस आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। हम जानते हैं कि आप लोग डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज की मदद से आप लोग गरीबों को मुफ्त में सेवा देते हैं। और वाकई तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम में से किसी ने किसी और को बताया था कि मैं अक्षत के बर्थडे पार्टी में जाने वाला हूं? नहीं सर। अगर स्टाफ में से किसी ने नहीं बताया तो शायद किसी पेशेंट ने बताया। अक्षत, एक बात बताओ,
मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आने वाला हूँ, ये तुमने इन सबको कब बताया, कितने बजे बताया था? यही सर, कुछ 10:15 या 10:30 के आसपास। 10:15 और 10:30 के आसपास, तो फिर मुझे 10 और 11 बजे के बीच यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स आए थे उन सबकी लिस्ट दिखाओ। ये सर। सर उस दिन 17 अक्टूबर था, गुरुवार का दिन था, और उस दिन सर मार्केट चूंकि बंद रहती है तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। सर उस दिन टोटल 17 पेशेंट्स आए थे, लेकिन 10 से 11 के बीच में सिर्फ 3 पेशेंट थे सर। ये 3 पेशेंट? यस सर। और ये सिग्नेचर किसकी है, कौन डॉक्टर है ये? सर मेरे। आप डॉक्टर? मुकेश, डॉक्टर मुकेश। डॉक्टर मुकेश, अच्छा डॉक्टर मुकेश, सर इन 3 पेशेंट्स के बारे में मुझे बताओ तुम्हें क्या याद है? अजय, पिप्पी, कमला। उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्या कमला? कौन है ये कमला और क्या क्या उसने? सर सर बहुत अजीब सी औरत थी ये। प्लीज बैठिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी? नाम? कमला। कहाँ? ये आसपास में रहती है जी? नहीं, पास में नहीं रहती। क्या हुआ आपको जी? वो कहीं गिर गई थी लगता है आप। सुनो 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 सुनो, क्या हुआ अक्षत? आज रात को मेरी बर्थडे पार्टी में पता कौन आ रहा है? कौन? एसीपी प्रद्युमन। एसीपी प्रद्युमन, मुंबई सीआईडी ब्रांच के हेड। कमाल है, एक लड़की जो अपना नाम बताने को झिझक रही थी, मेरा नाम सुनकर ही चौंक गई। क्यों? और सर वो लड़की इस गांव की नहीं थी, मतलब कहीं बाहर से आई थी। सर इस गांव में आने के 2 रास्ते हैं सर, एक मुंबई से और दूसरा थाने से सर। और सर हमें वो गाड़ी थाने के रास्ते में मिली जिसमें जगन की लाश थी। और सर सालुंखे साहब ने बताया था ना कि उस गाड़ी में एक औरत भी थी। सर कहीं ये कमला वही औरत तो नहीं? कमला? इस कमला का स्केच बनवा। हाँ साहब, यही तो है वो, मेरी दुकान पर 2-3 बार आ चुका है कुंदन से मिलने। कौन कुंदन? कुंदन साहब मेरे दुकान पर वेल्डिंग का काम करता है, 2-3 दिन से काम पर नहीं आया। ये आजकल के लड़के भी ना, कितना काम बाकी पड़ा हुआ है। अच्छा ये जगन, इसके बारे में क्या जानते हो तुम? नहीं साहब, जगन को मैं नहीं जानता। और कुंदन के बारे में? और कुंदन? अरे छोटू बता ना, कुंदन तो तेरा दोस्त है ना? नहीं साहब, मुझे नहीं पता, कुंदन मेरा कोई दोस्त नहीं है। अरे साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने देखा है इसको कुंदन के हाथ से 10,000 रुपए लेते हुए। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। ना बड़ा बच्चा हो गया है, रोता है। कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या जानते हो कुंदन के बारे में? साहब गलती हो गई साहब। घबराओ मत, बोलो। साहब कुंदन भैया को मुंबई जाना था, उसे गाड़ी चाहिए थी, मैंने तो सिर्फ चाबी बना के दी थी साहब। मुंबई में कुंदन कहाँ गया? नहीं पता साहब। पर साहब जगन कुंदन को कह रहा था कि अगर उसे मुंबई में रहना है तो कुहाट बाग वाली वर्कशॉप में रह सकता है। अच्छा उनके साथ एक लड़की भी थी, कुछ जानते हो कौन थी वो? जानता है तो छुपाने से फायदा नहीं है, है? जानता है ना कौन थी वो? दिया दीदी। कहाँ रहते हैं?
जी कहिए। क्या दिया यहीं पे रहती? जी आप लोग? हम सीआईडी से। जरा दिया को बुलाइए। दिया इस वक्त घर पर नहीं है। घर पर नहीं? कहाँ गई वो? मनसुख कौन है? सीआईडी से कुछ ऑफिसर्स आए हैं, दिया के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन दिया तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? कॉलेज? नहीं नहीं नहीं, अपने सहेली से मिलने गई है। कब तक वापस आएगी वो? कल सुबह या शाम तक। बीजापुर गई है ना, इसलिए। उसका फोन नंबर है? फोन जल्दी जल्दी में गई ना, तो फोन घर पे भूल गई है। जरा ये फोटो देखिए, इस आदमी को जानते हैं आप लोग? नहीं, हम इसे नहीं जानते। नहीं जानते? निखिल, इस लड़के ने आपकी बेटी दिया को कुंदन नाम के मैकेनिक के साथ जाते हुए देखा था। ये लड़का झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, ये सच है। ये जो लड़की हाथ में ट्रॉफी और ये गन लेके खड़ी है फोटोग्राफ्स में, ये आपकी बेटी दिया है ना? रोना बंद करो प्लीज। मनसुख भाई, अपने बीवी को बाद में समझाइए, जो सवाल हमने पूछा पहले उसका जवाब दीजिए। ये लड़की दिया ही है ना? जी ये दिया है, मेरी बेटी। और ये गन और ट्रॉफी जो है वो किस लिए? दिया स्टेट लेवल की शूटिंग चैंपियन है, मेरा मतलब थी। वो आदमी नहीं था, औरत थी। वो औरत? और वो कौन? वो हमारा बेटा चिंटू, चेतन है। और कहाँ है ये चेतन? कहाँ है वो? यहाँ नहीं रहता, वो हॉस्टल में रहता है। पंचगणी? हाँ पंचगणी, पंचगणी। कौन से स्कूल में? इंस्पेक्टर सर, हमें अकेला छोड़ दो, हमें नहीं पता कि दिया और कुंदन कहाँ है। हम इस आदमी को भी नहीं जानते। निकल, दिया की फोटो ले लो। उसका MMS ब्यूरो भेजो। तो ये है कुंदन? Yes, sir. और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है रजत, कि दिया जैसे अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी लड़की, एक स्टेट लेवल चैंपियन शूटर, वो इस कुंदन जैसे मामूली से वेल्डिंग मैकेनिक के साथ मुंबई भाग क्यों आई? क्यों आई मुंबई? Yes, sir. और आई ऐसी गाड़ी में जिसको जगन जैसा क्रिमिनल चला रहा था। और वो जगन पहले विधान के लिए काम करता था, एक बॉम्ब स्मगलर के लिए। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दिया का कोई स्मगलिंग का चक्कर हो सकता है? सर और एक बात अजीब लगी। सर दिया के माँ बाप अपनी बेटी के गम में आंसू तो बहा रहे थे, लेकिन अपनी भागी हुई बच्ची को ढूंढने के लिए उनको कोई परवाह नहीं थी। और सर दोनों ने अपने बच्चे चेतन यानी चिंटू के बारे में अलग अलग बातें बताई। अब पता नहीं उनका बेटा वाकई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता भी है या नहीं। रजत, लगता है ये माँ बाप हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। सर, उस क्लिनिक के स्टाफ वालों ने उस औरत का हुलिया बता दिया जो उस दिन आपके बारे में पूछ रही थी। ये रहा उसका स्केच। क्या? दिया? सर मुझे तो शक है, इस दिया ने ही आप पे गोली चलाई है। ये सर, अव्वल नंबर की शार्प शूटर होना, शाहबाद से मुंबई जगन जैसे क्रिमिनल के साथ आना, सर सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सर इस दिया ने एक बार आप पे हमला करने की नाकाम कोशिश की थी, ये दोबारा कोशिश करेगी। सर हमें जल्द से जल्द इसे पकड़ना होगा।
नाम पता है और अब हुलिया भी, मारने वाली का हुलिया। इस दिया के चेहरे पे तो मैंने वार किया था, तो जरूर कहीं ना कहीं गई होगी अपने चेहरे का इलाज करने के लिए किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में। पता करो शहर में जितने भी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं, देखो कहीं पर गई थी क्या। यस सर। रजत, और एक बात, उस वेल्डिंग वर्कशॉप में काम करने वाले तरुण ने क्या बताया था जगन और कुंदन के बारे में? सर, जगन ने कुंदन को मुंबई के कोहाटबाग इलाके के एक पुरानी फैक्ट्री में जाने को कहा था, और सर डॉक्टर सालुंखे के मुताबिक जगन किसी ऐसी जगह रह रहा था या फिर काम कर रहा था जहां बारूद और बॉम्ब्स बनते थे। बारूद और बॉम्ब्स? फ्रेडी काम करो, पता लगाओ कोहाटबाग इलाके में ऐसे कोई पुरानी फैक्ट्री है क्या जहां पर बॉम्ब्स और बारूद बनते थे। यस सर। और रजत, एक बात अभी भी दिमाग में अटकी है इस दिया के बारे में। एक अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी लड़की मुझे मारने क्यों आई यहां पर? मुझे मारने क्यों? मैं तो उसे जानता तक नहीं। सर, कोहाट बाग से 3 किलोमीटर दूर एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है। बंद पड़ी फैक्ट्री? फिर घुसो इस बंद फैक्ट्री में, वहां पर या तो कुंदन मिलेगा या फिर कुंदन तक पहुंचने का सुराग। कोहाट बाग। इसके नाक की हड्डी टूट गई थी, मैंने उसे बेसिक ट्रीटमेंट तो दे दिया लेकिन उसे लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत थी। तो आपने उसे एडमिट क्यों नहीं किया? मैं क्या करती, उसने क्लिनिक में एडमिट होने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसे कोई जरूरी काम करना है, इसलिए वो आराम नहीं कर सकती। थैंक यू डॉक्टर। सर, उसका तो बस एक ही जरूरी काम था, एसीपी साहब को अपना निशाना बनाना। हाँ फ्रेडी, उसका मकसद अब तक पूरा हुआ नहीं है। हो सकता है वो एक और मौके की तलाश में हो कि कब वो एसीपी सर पर फिर से हमला कर सके। और अंदर काला, ये देखा था? बारूद, गोलियां, एक्सप्लोसिव। किसी को शक भी नहीं होगा कि इस बंद पड़े हुए फैक्ट्री के अंदर गोला बारूद बनाया जाता है। अभिजीत, ये देखो, कपड़े, मैट्रेस, पानी के बॉटल्स, खाने की चीजें, और ये दूध का पैकेट। इसमें 2 दिन पहले का डेट है। ये तो पक्का हो गया कि जगन का खून करने के बाद कुंदन यहीं पे आके छुपा था। हाँ, मगर ये कुंदन और दिया एक साथ आए थे शाबाद से यहाँ पे, फिर ये दिया कहाँ गई? सर, आने के? हाँ, ये देखिए सर, कपड़े, नकली दाढ़ी, मूंछ, हरी है बाल। ये क्या चक्कर है? जरा कुंदन की फोटो दिखा ना सर। ये देखिए सर, ओ, तो ये कुंदन ही है जो फेस बदलकर हर वक्त एसीपी साहब पे नजर रखे हुए था और हमें पता भी नहीं चला। बात साफ है, कुंदन और दिया मिलकर एसीपी साहब को मारना चाहते हैं और फिर से हमला करने की कोशिश करेंगे। सर की जान खतरे में।
या क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो दिया? नहीं दिया, दिया नहीं। साहब, साहब, साहब। सालों से इसी सीआईडी ब्यूरो के हेड रहे, कल उन्हें गोली मारकर उनके घर पर ही किसी ने उनकी हत्या कर दी। इस बात से सीआईडी टीम को बहुत धक्का लगा, उन्हें बहुत दुख हुआ है। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि एसीपी अब उनके बीच में नहीं है। आइए इस पूरी दुखद घटना के बारे में उन्हीं से जानकारी लेते हैं। अभिजीत सर, आपको क्या लगता है कि एसीपी के खून के पीछे किसका हाथ होगा? उनके तो बहुत सारे दुश्मन थे, आखिर ये जरूरत किसने की होगी सर? अब जी सर, हमें जवाब दीजिए। सर, हम जानना चाहते हैं कि हॉस्पिटल के मुर्दा घर में प्रेस रिपोर्टर को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? एसीपी साहब की मौत हो गई और आप लोग? देखिए, इस समय हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। आप देख सकते हैं कि सर की मौत के बाद हम सब सदमे में है। सर, क्या आपको किसी पर शक है? देखिए, हम अभी किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि हम कोई स्टेटमेंट ना दें, लेकिन जो कोई भी खूनी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। एक्सक्यूज मी। प्लीज आप लोग यहां से चले जाइए, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को दे दी जाएगी। बहुत जल्द एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हम प्रेस में देने वाले हैं इस खून के बारे में। तब तक प्लीज कोऑपरेट कीजिए। हम इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते, प्लीज। चलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिलहाल सीआईडी टीम इस बात पर कोई रोशनी नहीं डाल रही है और ना ही ये बताने को तैयार है कि उन्हें किस पर शक है। चल बोला ना तेरे को, बताओ कहां लेके जा रहे हो। मैं तुमसे सचमुच का प्यार करता हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। शाबाश दिया, शाबाश, वेरी गुड, एक्सेलेंट। एसीपी प्रद्युमन को मार के तुमने वो काम किया है जो मैं सालों में नहीं कर पाया। अब सीआईडी वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। निदान, मेरा भाई कहाँ है? देखो, मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझे कहा था। प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, मेरा चिंटू मुझे लौटा दो। अरे,
इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सब्र करो। प्लीज विदान, एक बार मुझे मेरा भाई दिखा दो। प्लीज विदान, मेरे भाई को छोड़ दो। अरे तुमने मेरे भाई के साथ कुछ किया तो नहीं है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, वो एकदम ठीक है। लेकिन अफसोस, अब हम तुम दोनों को जिंदा नहीं रख सकते। विधान, ऐसे मत करना। ऐसे मत करना। तुम चाहो ना तो मेरी जान ले सकते हो, पर मेरे भाई के साथ कुछ मत करना प्लीज। देखो बहुत छोटा है वो, बहुत। मेरी जान ले लो विधान, मेरे भाई को छोड़ दो। रहम करो। रहम 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 रहम। ए, इसके भाई को लेके आ रहे जा। हम इतने बेरहम भी नहीं, इतने बुरे नहीं कि तुम दोनों को मरने से पहले आपस में ना मिलवाएं। दीदी, चिट्टू, दीदी, चिट्टू, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम ठीक हो ना चिट्टू? अरे बहुत हो गया रे मिलाप, अलग करो। हंसी आ रही है, मौत सामने देख के हंसी आ रही है, पागल हो गई है। ठीक है, हंसते हंसते मर। मौत इनकी नहीं, मौत तुम्हारी आई है विधान, तुम्हारी। जरा चारों तरफ आंखें घुमाकर देखो।
खाली बंदूक चलती नहीं है विदान, गोलियों की गिनती करना भूल गए तुम। सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स में तुम्हारे मरने की खबर मैंने अपनी आंखों से देखी थी, फिर तुम जिंदा कैसे होंगे? तुम्हें क्या लगा कि ये सारा खेल तुम खेल रहे थे? खेल तो हमने खेला तुम्हारे साथ, तुम्हें मुंबई लाने के लिए। कल रात जब दिया मेरे घर पे आई थी, या नहीं, अब चिंटू नहीं बचेगा, वो लोग मेरे भाई को मार डालेंगे। कौन? कुंदन? कुंदन? कुंदन तो मेरा ही साथी, वो क्यों मारेगा उसे? तो फिर कौन मारना चाहता है तुम्हारे भाई चिंटू को? पता नहीं, कुछ लोग मेरे भाई को किडनैप करके लेके गए, वो लोग उसे थप ही छोड़ेंगे जब मैं इसी भी सर का खून कर दूंगी। लेकिन अब वो उसे मार डालेंगे, मेरा भाई नहीं बचेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, घबराओ मत। और तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया, अगर मुझे चिंटू को बचाना है तो मुझे मरना होगा। अरे अभिजीत, कितना खून डालोगे? हैं? अरे सर, छाती पे गोली लगी है, थोड़ा खून तो निकलेगा ही ना सर। अरे इतना ये हो गया सर, ये हो गया। चल निकलते हैं। साहब, 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 जगन का खून क्यों किया? वो तो तुम्हारा आदमी था ना? मैंने जगन का खून नहीं किया, कुंदन ने किया। कुंदन ने? क्यों कुंदन? क्यों किया खून तुमने? बताओ। सर, जगन मुझे आपको मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए रोक रहा था, जबकि मुझे इस काम के लिए बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। अरे तो रास्ता बंद है, अब तेरी सांसें भी बंद हो जाएगी। अगर तुम्हारा भाई सही सलामत चाहिए तो जैसा हम कहेंगे वैसे करना होगा। तुमने इस काम में दिया को क्यों शामिल किया? सर, मुझे मालूम था कि एसीपी सर को मानना इतना आसान नहीं, दिया एक अच्छी शॉर्ट शूटर है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं, इसलिए मैंने उसके छोटे भाई चिंटू को किडनैप किया ताकि वो इस काम को करने में मजबूर हो जाए। खूनियों के लिए तो फांसी की सजा होती है, पर तुम जैसे देशद्रोहियों के लिए ये फांसी की सजा भी कम है। दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, मैं जानता हूं, अपने भाई की जान बचाने के लिए तुमने ये सब मजबूरी में किया, मगर तुमने हमारी मदद भी की, बहादुर बच्चे हो तुम अपने घर जा सकते हो, शाबाश। थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।